गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं देवी माँ के दर्शन करने के लिए। प्योर चावलो उगिरी रे लोग अभी जा रहे हैं घूमतेश्वरी मंदिर। अलगा फीलिंग है, सुबह से वो कुछ नहीं खाई है, अभी खा रहे हैं। पापा की डांट पड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा खा रही है। समोसा गेट देख ले जा, भुवन सर देख ले। नहीं घंटेश्वरी जाने के लिए रास्ता 1.5 किलोमीटर के बाद ही ये मंदिर। अभी पैदल चल के जाना है क्योंकि यहाँ पे 4-व्हीलर अलाउड नहीं है। अभी हम निकल के जाएंगे, ये रास्ता है, पैदल चल के जाना है 1.5 किलोमीटर के बाद ही घंटेश्वरी मंदिर। हम लोग जा रहे हैं पैदल चल के। आजा प्रिंसु, पैदल चल के जाना है 1.5 किलोमीटर। कितने आराम से बंदर बैठा हुआ है, ऊपर में भी इतने सारे हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, थोड़ा देख के संभल के हम लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ा दूर है लेकिन थोड़ा हमारे वापस कार पड़ी है, खड़ा है हमारे साइड में। देखिए ये है चिकलीमा पावर हाउस, ये पीछे दिख रहा है ना। यहाँ के व्यू काफी अच्छी लगी तो हम लोग रुक के यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक कर लिए। हमारे साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये है चिपलीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो कि काफी बड़ा भी है। देखिए आप लोग, अभी हम जाने से ये है घंटेश्वरी जाने की रास्ता। बहुत नैरो पाथ है, अभी इस ब्रिज से होते हुए हमें मंदिर तक पहुंचना है। और पानी को देख के मुझे सच में बहुत चक्कर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, कैसे चल के जाऊंगी। पानी को देख के तो बहुत नर्वस फील मैं कर रही हूँ, लेकिन माँ बेटी हम दोनों यहाँ पे रुक के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए क्योंकि पीछे का व्यू बहुत सुंदर है। पहुँच गए हम लोग घंटेश्वरी मंदिर। दीपो आनो, दीपो दीपो, पूरी मंदिर में सिर्फ घंटियां ही घंटियां हैं। देखिए मैं ज़ूम करके दिखा दूं, कितनी सारी एंट्रेंस गेट पे घंटियां लगी हुई है, कितना सुंदर है। देखिए पूरा एकदम से नीचे तक हर तरफ घंटी ही घंटी है, इसलिए इस देवी माँ का नाम है घंटेश्वरी देवी। चलो 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 चलो, अभिरं चकुलालं हरिद्राज समन्वितं नाना परिमलं रक्षं गृहाणं परमेश्वरि। ॐ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कृपा जयं महान्ते। देखिए देवी माँ की मूर्ति कितनी सुंदर है, आज तो बहुत सुंदर लग रही है देवी माँ। ये है मेन मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। देखिए ऐसा यहाँ पे माना जाता है, जो लोग यहाँ पे कुछ मन्नतें रख के देवी माँ के लिए घंटी बांधते हैं ना, तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है और वो लोग फिर से आते हैं देवी माँ के दर्शन करने के लिए।
काश मेरी भी मन्नतें पूरी हो जाए। पूजा करने के बाद अभी हम लोग रिटर्न करेंगे, फिर और कहीं घूमने जाना है। राजा गुंजा देखिए आप लोग, व्यू कितना सुंदर है। और क्या बताऊँ, पानी इतना गहरा है, मुझे पानी को देख के चक्कर ही चक्कर आ रही है। चुपीमा के पास के गांव में आए हैं हम लोग। आप लोग देखिए वो कितनी सुंदर तरीके से हाथों से ही साड़ी को बुन रही है। सीरियसली इनके हाथों में जादू है। और मुझे आज कैसे भी करके संबलपुरी साड़ी यहाँ से लेके जाना है। और मैं कुछ साड़ी भी चूज़ कर रही हूँ जो मेरे लिए, सासू माँ के लिए और मेरी मदर के लिए। दो साड़ी है, एक है मेरी सासू माँ के लिए, ये ऊपर वाला है सासू माँ के लिए, और ये नीचे है मेरी मम्मी के लिए। नीचे जो ग्रीन कलर है मम्मी के लिए, मैं दोनों के लिए सेम ही डिज़ाइन की लाई हूँ, बस कलर थोड़ा सा अलग है। ये मैं अपने लिए चूज की हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।